इमरान खान के बाद भारत पर पाकिस्तान आर्मी चीफ के भी बदले सुर। बड़ी खबर, बाजवा ने कहा अतीत को भूलकर आगे बढ़ने का समय आया। अरे बाप रे, शांति से ही दक्षिण मध्य एशिया में विकास की संभावना बढ़ेगी, ये बाजवा ने कहा है। इमरान खान के बाद बाजवा के भी, बाजवा ने कहा। आइए सर आपको बॉल पर दिखाते हैं क्या कुछ कहा है बाजवा ने। अब बाजवा ऐसी बोली बोले तो बड़ी हैरानी होती है। यहां पर सीधे आइए, दिखाइए राहुल जरा क्या क्या कहा इन्होंने, ये हमारे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या बदल गया पाकिस्तान का नजरिया? आप देखिए क्वेश्चन मार्क छोटा है, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए भाई ये क्वेश्चन मार्क ही है। पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने शांति की बात की, नेक्स्ट चेंज करें। इमरान ने कहा था कि वो भारत के साथ सभी विवाद सुलझाना चाहते हैं, नेक्स्ट चेंज करें। इससे पहले पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर समझौता का पालन करने को तैयार हुआ, नेक्स्ट चेंज करें। संबंध सुधारने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ कस्वर के पास। कस्वर, ये क्या हो रहा है? हमारे यहां कहते हैं, आपको भी पता है, गंगा उल्टी बहना। मैं तो देख रहा हूं ये तो उल्टी नहीं बह रही, ऊपर की तरफ बह रही है। निशांत, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो ये उल्टी बह रही है ना ही ये ऊपर की तरफ बह रही है। आप इसको बिल्कुल ना लें आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट को कि जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है इस पे पाकिस्तान ने कोई यू टर्न या फिर कोई कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कोई ऐसा वैसा किया है। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी बिल्कुल वही है, पाकिस्तान में बदलाव भी नहीं है। इमरान खान ने पहली दफा ही पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो एक ओलिव ब्रांच दी थी, ये 2.5 साल के बाद एक दूसरी आर्मी चीफ की तरफ से एक ओलिव ब्रांच गई है इंडिया को। लेकिन एक चीज मैं आपको वाजे तौर पर बताता चलूं कि अब जनरल बाजवा साहब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, वो क्योंकि अगले साल उन्हें रिटायर होना है और वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। ये मत बोलिएगा कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज है कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात अगर जाते जाते बेहतर कर जाए, शुरुआत कर जाए, तो शायद हिस्ट्री में अपना नाम लिखा लें। लेकिन आपको पता है, हम भी डिस्कस करते रहे, बाजवा साहब का जो आपका टेनोर है पिछले टेनोर से बहुत ही डिफरेंट है। देखिए मैं आपको रोकूंगा कस्वर, मेरा एक स्टेटमेंट आपके लिए बड़ा एंबैरसिंग हो सकता है, लेकिन मैं जनरल सिन्हा सर ओनली 30 सेकंड सर, क्योंकि मुझे अगले कोरोना के सेगमेंट को हिट करना है सर। लेकिन एक क्विक रिएक्शन सर, पाकिस्तान में जो आर्मी जनरल्स आते हैं उनके लिए कहावत बड़ी मशहूर है कि ये पहले आते हैं, गुर्राते हैं, भारत से मार खाते हैं और फिर अपनापन दिखाते हैं, और फिर ये खुद डेमोक्रेसी के सबसे बड़े जिसको कहा जाए सिंबल बन जाते हैं। जैसे मुशर्रफ साहब थे, ऐसे कई लोगों ने कोशिश की, कामयाब वही ज्यादा हुए। योर टेक सर। आप सही फरमा रहे हैं, देखिए परिस्थितियां ऐसी हैं। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए रस्सी जल गई मगर उसकी ऐठन नहीं गई। इमरान साहब, बाजवा साहब कहते हैं कि इसकी पहल भारत करेगा और वो कहते हैं कि इससे हमें सेंट्रल एशिया में मिलेगा। यदि गिलगित बल्तिस्तान छोड़ दीजिए, सीपैक छोड़ दीजिए, ये तो हमारा इलाका है सेंट्रल एशिया के अंदर में, जो रास्ता खुलता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान से हम पहुंच जाएंगे। देखिए बात इन चीज़ों को समझिए, आज के दिन में जो एफएटीएफ की है मार, कोई देश साथ नहीं। सऊदी अरेबिया छोड़ दिया, यूएई छोड़ दिया, ओआईसी के सारे देश छोड़ दिए पाकिस्तान को, अदर देन चाइना जो मैटर नहीं करता जी। तो उनकी परिस्थिति, पहली बार जीडीपी उनकी -2.4% पे गई है 70 साल में, हालत खराब है। दाने दाने के लिए केवल उनको एक आस है कि भारत उनको देगा मौका। मैं आपको ये भी बताता हूं, और हमने दिया है 23 तारीख को जो सीज फायर रोकी है, ये जानते हुए कि ये चीज आपको फिर से बैड स्टेपिंग करेंगे। पॉइंट टेकन सर, करेंगे पॉइंट टेकन जी।